सभी को साइनिकर किचन में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टुकड़ा ब्रेड ले लिया हूँ, थोड़ा सा शिमला मिर्च काट के रख दिया हूँ, थोड़ा सा गाजर ले लिया हूँ, थोड़ा सा खीरा को मैं काट करके रखी हूँ और थोड़ा सा प्याज। आप चाहे तो मिर्ची भी काट के रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर पैन बैठा दिया हूँ, गैस को भी ऑन कर दिया हूँ, थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। अभी मैं इसमें तेल गर्म हो गई है, मैं थोड़ा गाजर डाल दूंगी। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। अभी शिमला मिर्च डाल दूंगी मैं। खीरा डाल दूंगी। और थोड़ा सा प्याज जो काट के रखी तो डाल दूंगी। थोड़ा सा भून लिया हूँ मैंने, अभी गैस के ओवन में बंद कर दूंगी, मैं डाल दूंगी। अब ऐसे एक बोल पे डाल लीजिए इसको। अभी मैं इसमें बटर डालूंगी। थोड़ी सी मैं मिर्ची पाउडर ले रही हूँ इसमें। थोड़ा सा टमाटर सॉस ले लिया हूँ मैंने। मैं एक ब्रेड में ऐसे मैं सोया सॉस टमाटर सॉस लगा लूंगी और थोड़ा सा डालूंगी। और एक ब्रेड में मैं चिल्ली सॉस डाल दूंगी। तो मैं ऐसे घी लगा लूंगी। अब एक बार घर में इसको बना के खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है ये। अभी मैं इसमें जो मसाला बना के रखी थी वो डाल दूंगी। खीरा थोड़ा गोल गोल काट के रखे थे ये डाल दूंगी। आपको टमाटर पसंद है तो आप डाल सकते हो, अगर टमाटर पसंद नहीं है तो मत डालिए। और थोड़ा सा प्याज भी डालूंगी इसमें। अभी मैं इसमें चीज डाल दूंगी और जो ब्रेड रखी थी वो इसमें डाल दूंगी। अभी देखिए इसको थोड़ा टोस्ट कर लूंगा। अब इसको ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो थोड़ा टोस्ट करके भी खा सकते हो। अभी इसको मैं ऐसे करके उल्टा दूंगी।
अब देखिए रेडी हो गई है। यह ब्रेकफास्ट में इसको यूज खा सकते। अभी मैं इसको ऐसे काट लूंगी। अब देख सकते हो कितने अच्छे से बन गई है। मेरा ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स पे मुझे जनाइए। मैं और नया नया रेसिपी आपको बना के दिखाऊंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।